आपने विकास दुबे का नाम सुना होगा। कानपुर में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनसे संबंधित दो खबरें चल रही हैं इस समय। इसमें एक है उत्तर प्रदेश के औरैया में लवारिस कार मिली है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे इसी कार से भागा होगा। दूसरी यह खबर है कि अब कानपुर में जो मकान ढहाया गया था अब इसके बाद लखनऊ में जो उसका मकान था वो भी गिराया जाएगा। आपको पता है कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस हर संभावना को टटोलने की कोशिश कर रही है ताकि विकास दुबे के बारे में सुराग मिल सके। इस बीच औरैया जिले में एक लवारिस फोर्ड इको स्पोर्ट कार मिलने से सनसनी हो गई है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी किसी अमित दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसकी जांच हो रही है कि कहीं यह कार विकास दुबे के भागने में तो नहीं इस्तेमाल हुई है। औरैया जिले के दिव्यापुर इलाके में लेखन गेस्ट हाउस के पास यह कार वहां से गुजर रही पुलिस की एक PRV वैन को दिखी। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर UP 32GL 9252 लखनऊ का है। कार के आगे नंबर प्लेट पर संघ परिवार लिखा है और पीछे शीशे पर अध्यक्ष भारतीय हिंदू संगठन लिखा हुआ है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। विकास दुबे का कानपुर का घर ढहाने के बाद अब लखनऊ के मकान को भी गिराने की तैयारी चल रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की टीम ने रविवार को इंद्रलोक स्थित विकास दुबे के मकान की नापजोक कराई। अधिशासी अभियंता कमलजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे इंजीनियरों ने इस बात की पड़ताल की कि मकान नक्शे के हिसाब से बना है या नहीं। विकास दुबे के मकान का नक्शा LDO को नहीं मिल पाया है, जबकि उसके भाई दीप प्रकाश दुबे के कथित मकान का नक्शा मिल गया है। LDO जल्द ही नोटिस जारी करने जा रहा है। विकास दुबे के मकान को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। LDO के इंजीनियरों ने निरीक्षण के बाद कार्यालय पहुंचकर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब नोटिस देकर मकान को तोड़ने की तैयारी है। विकास दुबे के इस मकान पर LDO जल्द ही नोटिस चस्पा कर देगा। जो मकान विकास दुबे के भाई का बताया जा रहा है उसके मालिकाना हक के बारे में LDO को कोई पेपर नहीं मिला है। मौके पर पहुंचे इंजीनियरों को मकान में युवती मिली। वह टीम को देखते ही रोने लगी। उसने अधिकारियों से कहा कि उसे परेशान ना किया जाए। युवती ने सरनेम पांडे बताया। इस मकान की नापजोक की गई तो यह 1990 में पास नक्शे के हिसाब से ही बना मिला। इसमें कोई अवैध निर्माण नहीं मिला है, जबकि विकास दुबे के मकान का नक्शा ना मिलने की वजह से उसे नोटिस दी जा रही है। उसे नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। निर्धारित समय में नक्शा ना प्रस्तुत करने पर मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इससे पहले शनिवार को ही दिन में प्रशासन की एक टीम ने कानपुर जिले के बिकरू गांव पहुंचकर विकास दुबे के किलानुमा घर को ढहा दिया था। पुलिस मकान की को जमीन दोज करने के साथ ही विकास की लग्जरी कारों JCB से पूरी तरह से डैमेज कर दिया। इसके साथ ही ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ मकान की एक चीज को नेस्तनाबूत कर दिया। उधर विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका जताई जा रही है। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई है और 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। भगोड़े विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है और 1500 दरोगाओं के नेतृत्व में पुलिस की 60 टीमें गैंगस्टर को तलाश कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।